हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम ओम है और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल ओम टेक वर्ल्ड पे। तो दोस्तों, लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि कैसे हमने अपने विंडो 10 प्रो के ऊपर हाइपर वी के फीचर को इंस्टॉल किया था। तो आज हम जानेंगे हाइपर वी पे हम वर्चुअल स्विच मैनेजर कैसे क्रिएट करते हैं और वर्चुअल स्विच मैनेजर हमारा क्या होता है, हम उसके बारे में जानेंगे इस वीडियो के अंदर। तो देखिए, उसके लिए पहले हमें अपने हाइपर वी मैनेजर पर जाना होगा। तो मैं अपने विंडो लोगो की पे क्लिक करता हूँ और इसको हम स्क्रॉल पर डाउन करके अपने विंडोज़ एडमिनिस्ट्रेटिव टूल्स पे आ जाएंगे। और उसके बाद देखिए, यहाँ पे हमारा हाइपर मैनेजर का ऑप्शन आ रहा है, इसको क्लिक करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमारा हाइपर वी मैनेजर का पेज ओपन हो गया है। और उसके बाद देखिए, यहाँ पर राइट साइड पर हमारे कुछ ऑप्शन आ रहे हैं और यहाँ पर देखिए हमारा वर्चुअल स्विच मैनेजर का ऑप्शन आ रहा है, तो हम यहां से भी इस पे जा सकते हैं। और उसके अलावा हम यहां पे अपने कंप्यूटर नेम पे राइट क्लिक करके भी हम यहां पे जा सकते हैं। तो देखिए, ये जो हमारा वर्चुअल स्विच मैनेजर है उसका पेज ओपन हो गया है। और यहां पे देखिए, हमारे पास एक्सटर्नल, इंटरनल और प्राइवेट, ये तीन ऑप्शन आ रहे हैं। तो ये तीनों ही हमारे ऑप्शन हमारे स्विच के वर्क को डिफाइन करते हैं कि वो किस तरीके से रिएक्ट करेंगे, किस तरीके से काम करेंगे। तो हम इस वीडियो में इसके बारे में जानेंगे, इन तीनों ही स्विच को हम कैसे क्रिएट करेंगे ये भी जानेंगे, और इन तीनों स्विच के बारे में जानेंगे किस तरीके से फंक्शंस करते हैं, इनका क्या क्या काम है। और अगर हम इन तीनों स्विच में से अगर प्राइवेट को, इंटरनल को और एक्सटर्नल को सेलेक्ट करते हैं तो उससे हम किस तरीके से अपने पीसीज के बीच में कम्युनिकेशन करवा सकते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, पहले हम जानेंगे हमारे प्राइवेट वर्चुअल स्विच के बारे में कि वो अगर हम यूज़ करेंगे तो हम किस तरीके से अपने कंप्यूटर्स के बीच में कम्युनिकेशन करवा सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पे हमारा ये ब्लू कलर का जो बॉक्स है, हम मान लेते हैं हमारा ये फिजिकल मशीन है, और ये जो हमारा ग्रीन कलर का बॉक्स आ रहा है, इनको हम अपना एज ए वर्चुअल मशीन समझ लेते हैं कि ये हमारे वर्चुअल पीसीज, हमारे जो हमारे जो फिजिकल मशीन है उनके ऊपर दो वर्चुअल मशीन क्रिएट हैं। तो देखिए, अगर हम प्राइवेट वर्चुअल स्विच को यूज़ करते हैं तो हम अपने वर्चुअल मशीन से वर्चुअल मशीन के बीच में ही सिर्फ कम्युनिकेशन करवा सकते हैं। मतलब कि अगर हम चाहते हैं कि हमारा वर्चुअल मशीन इस वाले वर्चुअल मशीन के साथ कम्युनिकेट करे तो हम कर सकते हैं, और ये वाला वर्चुअल मशीन हमारे इस वाले वर्चुअल मशीन के साथ भी कम्युनिकेट कर सकता है। लेकिन दोस्तों, हम चाहते हैं कि हमारा वर्चुअल मशीन जो है वो हमारे फिजिकल मशीन के साथ कम्युनिकेशन कर सके, तो वो हमें प्राइवेट वर्चुअल स्विच के अंदर ऑप्शन नहीं मिलता है। मतलब कि हम अपने वर्चुअल पीसी से फिजिकल मशीन के बीच में कोई कम्युनिकेशन नहीं करवा सकते हैं, कोई डेटा शेयरिंग नहीं कर सकते हैं अगर हम प्राइवेट वर्चुअल स्विच को यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे हमें थोड़ी सी दिक्कत आ जाती है, क्योंकि कई बार हमें होता है कि हम अपने फिजिकल मशीन के साथ भी कम्युनिकेशन करवाना चाहते हैं, हम कुछ जो डेटा है अपने फिजिकल मशीन के मशीन से अपने वर्चुअल मशीन पर लेना चाहते हैं, तो हमें वो ऑप्शन प्राइवेट वर्चुअल स्विच पर नहीं मिल पाता है। तो देखते हैं कि वो ऑप्शन हमें किस स्विच मैनेजर पे मिलेगा। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए, वो ऑप्शन हमें यहाँ पे इंटरनल वर्चुअल स्विच पे मिलता है। तो अगर हम इंटरनल वर्चुअल स्विच को यूज़ करेंगे तो मान लीजिए ये हमारा ब्लू कलर का जो बॉक्स है, हमारा फिजिकल मशीन है, और इसके अंदर ये जो दो बॉक्स बनाए हैं ये हमारे वर्चुअल मशीन है। तो देखिए, अगर हम इंटरनल वर्चुअल स्विच को यूज़ करते हैं तो हम अपने वर्चुअल मशीन टू वर्चुअल मशीन तो कम्युनिकेशन करवा ही सकते हैं, और इसके साथ ही साथ हम अपने इस फिजिकल मशीन के साथ भी कम्युनिकेशन कर सकते हैं। मतलब कि हमारा वर्चुअल मशीन टू वर्चुअल मशीन भी कम्युनिकेशन करेगा। तो देखिए, जैसे हमारा प्राइवेट में था कि हमारा सिर्फ वर्चुअल मशीन टू वर्चुअल मशीन ही कम्युनिकेट कर रहा था, और यहाँ पर देखिए हमारा जो इंटरनल वर्चुअल स्विच है उसमें हमारे को वर्चुअल मशीन से फिजिकल मशीन के साथ भी डेटा शेयरिंग का ऑप्शन मिल जाता है। हम यहाँ पे वर्चुअल टू वर्चुअल तो कम्युनिकेट कर ही सकते हैं, हम वर्चुअल मशीन से फिजिकल मशीन पे भी कम्युनिकेशन कर सकते हैं, और अपने फिजिकल मशीन से अपने वर्चुअल मशीन के ऊपर भी कम्युनिकेशन कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमें इंटरनल स्विच में अच्छा ऑप्शन मिल जाता है कि हम यहाँ पर अपने फिजिकल पीसी के साथ भी कम्युनिकेट कर पा रहे हैं। लेकिन दोस्तों, हम चाहते हैं कि हमारा जो फिजिकल मशीन है वो दूसरे फिजिकल मशीन के वर्चुअल मशीन से भी कम्युनिकेट कर सके, और हम चाहते हैं कि हमारा जो वर्चुअल मशीन है हमारे दूसरे फिजिकल मशीन से कम्युनिकेट कर सके, तो वो किस तरीके से करेंगे तो उसके बारे में जानते हैं। तो वो ऑप्शन हमें किस स्विच में मिलेगा, तो हमारे पास अब एक एक्सटर्नल वर्चुअल स्विच ही बचा है, तो उसके बारे में हम जानेंगे कि हम उसमें क्या क्या कर सकते हैं।
तो देखिए यहाँ पे हम एक्सटर्नल वर्चुअल स्विच यूज़ करते हैं, और देखिए हमारे जो दो ब्राउन कलर के जो बॉक्स आ रहे हैं, हम इनको एज ए फिजिकल मशीन एज्यूम कर लेते हैं, मतलब कि हम इनको फिजिकल मशीन मान लेते हैं। और देखिए इन फिजिकल मशीन के ऊपर हम दो दो वर्चुअल मशीन्स क्रिएट कर लेते हैं इन फिजिकल मशीन के ऊपर। तो ये हमारे फिजिकल मशीन के ऊपर हमारे दो दो वर्चुअल मशीन्स हैं। तो देखिए हम अगर एक्सटर्नल वर्चुअल स्विच को यूज़ करते हैं तो हम वर्चुअल मशीन के बीच में कम्युनिकेशन करवा सकते हैं, और अगर हम चाहते हैं कि हमारा जो वर्चुअल मशीन है हमारे फिजिकल मशीन के साथ भी कम्युनिकेट कर सके तो हम एक्सटर्नल स्विच मैनेजर में ये भी हम कर सकते हैं, जैसे कि हमारा इंटरनल में हो रहा था। और अगर हम चाहते हैं कि हमारा जो फिजिकल मशीन है वो दूसरे फिजिकल मशीन के साथ कम्युनिकेट करना चाहे तो हम वो भी करा सकते हैं। देखिए मतलब जो ये हमारा फिजिकल मशीन है ये वाला हमारे इस वाले फिजिकल मशीन के साथ कम्युनिकेशन कर सकता है अगर हम यहाँ पे एक्सटर्नल वर्चुअल स्विच को यूज़ करते हैं तो। और उसका देखिए हम अगर हम चाहते हैं कि हमारा जो ये फिजिकल मशीन है ये वाला हमारे इस वाले फिजिकल मशीन के इन वर्चुअल मशीन के साथ कम्युनिकेशन करना चाहता है तो वो भी पॉसिबल हमारे इस एक्सटर्नल स्विच मैनेजर के अंदर। और उसके बाद देखिए हम चाहते हैं कि जो हमारा ये वाला फिजिकल मशीन के ऊपर जो वर्चुअल मशीन है और ये जो दूसरे वाला फिजिकल मशीन है उसके ऊपर जो वर्चुअल मशीन है इनके बीच में भी कम्युनिकेशन हो तो वो भी पॉसिबल हमारे इस वर्चुअल स्विच के एक्सटर्नल वर्चुअल स्विच के ऊपर। और इसके साथ ही साथ दोस्तों हम अपने इन फिजिकल पीसी पे या हम अपने इस वर्चुअल मशीन के ऊपर इंटरनेट भी एक्सेस कर सकते हैं। तो देखा दोस्तों इस तरीके से हमें यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिलता है अगर हम एक्सटर्नल वर्चुअल स्विच को यूज़ करते हैं तो। तो देखिए दोस्तों हमने जाना कि हाइपर वी स्विच मैनेजर के अंदर हमारे जो प्राइवेट वर्चुअल स्विच होता है उसको कैसे हम यूज़ करते हैं, वो किस तरीके से हमारे से वर्चुअल टू वर्चुअली कम्युनिकेट करता है। और उसके बाद हमने जाना कि इंटरनल वर्चुअल स्विच के यूज़ करके हम किस तरीके से कम्युनिकेशन करवा सकते हैं। हमने ये भी देखा कि हमारा ये वर्चुअल टू वर्चुअल तो कम्युनिकेट कर ही रहा था और वर्चुअल टू फिजिकल मशीन के साथ भी हमारा ये कम्युनिकेशन कर पा रहा था। और उसके बाद दोस्तों हमने जाना कि जो हमारा ये एक्सटर्नल वर्चुअल स्विच मैनेजर को हमने यूज़ किया तो हम इसमें किस तरीके से काम कर पा रहे थे। तो हमने जाना यहाँ पे कि हमारा जो एक्सटर्नल वर्चुअल स्विच है उसको यूज़ करके हम वर्चुअल टू वर्चुअल तो कम्युनिकेट कर ही सकते थे और साथ ही साथ हम वर्चुअल से फिजिकल मशीन के ऊपर भी कम्युनिकेशन करवा सकते हैं। और इसके साथ ही साथ हम अपने एक फिजिकल मशीन से दूसरे फिजिकल मशीन के वर्चुअल मशीन के साथ भी कम्युनिकेट कर सकते थे, और हमारे दो फिजिकल मशीन के बीच में भी कम्युनिकेशन था और उन दोनों ही फिजिकल मशीन के ऊपर बने हुए वर्चुअल मशीन के बीच में भी हम कम्युनिकेशन कर सकते थे। और उसके अलावा हम अपने इन कंप्यूटर्स के ऊपर वर्चुअल हो या हमारा फिजिकल मशीन हो हम इंटरनेट को भी बड़े ईजिली एक्सेस कर सकते हैं। तो देखा दोस्तों इस तरीके से हमने इन तीनों स्विच के बारे में जाना कि इन तीनों स्विच का किस तरीके से हम यूज़ करते हैं। तो चलिए हम जानते हैं कि इन स्विच को कैसे क्रिएट करते हैं, अगर हमें इन स्विच को बनाना हो तो हम किस तरीके से बनाएंगे। तो देखिए हम यहाँ पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे देखिए मैं प्राइवेट ले लेता हूँ और उसके बाद यहाँ पे मैं क्रिएट पे क्लिक करता हूँ। तो देखिए यहाँ पे हमसे नाम पूछ रहे हैं हमारे स्विच का, तो हम कुछ भी दे देते हैं। तो मैं यहाँ पे प्राइवेट दे देता हूँ ताकि हमें आइडेंटिफाई हो सके। और उसके बाद यहाँ पे अप्लाई करना है, देन ओके। तो दोस्तों हम अब इंटरनल स्विच मैनेजर को बनाएंगे। तो यहाँ पे देखिए हमारा इंटरनल स्विच आ रहा है, इसको सेलेक्ट कर लेंगे। देखिए हमारा यहाँ प्राइवेट बन चुका है और अब हम इंटरनल बनाएंगे। तो यहाँ पे सेम प्रोसेस है, क्रिएट पे क्लिक किया हमने और यहाँ पे हम अपना अगेन नाम दे देंगे अपने इंटरनल स्विच का। तो हम यहाँ पे इंटरनल स्विच ही दे देते हैं और उसके बाद अप्लाई करते हैं। उसके बाद ओके करेंगे और ऐसे ही हम एक्सटर्नल स्विच को भी क्रिएट करेंगे जैसे हमने प्रीवियस दो स्विचेस को क्रिएट किया। और यहाँ पे भी देखिए मैं एक्सटर्नल नाम दे देता हूँ। तो
तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमारा ये ऑप्शन आ रहा है। तो अगर अगर आप यहाँ पे वाईफाई यूज़ करते हैं अपने, अगर आपका वाईफाई से चल रहा है तो आपका यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा यहाँ पे वाईफाई का, तो आप उसको सेलेक्ट करेंगे। और अगर आप लैन से यूज़ कर रहे हैं, अगर आपने फिजिकल वायर लगाई हुई है अपने कंप्यूटर या लैपटॉप के साथ, तो आपको यहाँ पे उसका भी लैन का भी ऑप्शन आ जाएगा, तो आप उसको सेलेक्ट करेंगे तरीके से। तो मेरा यहाँ पे वायरलेस था तो मैंने उसे सेलेक्ट किया, उसके बाद अप्लाई एंड ओके। तो देखिए हमारे यहाँ पे तीनों क्रिएट हो चुके हैं, और हम चेक करते हैं कि हमारा ये कहाँ पे शो करेगा। तो यहाँ पे अपने नेटवर्क एंड शेयर ऑप्शन पे जाते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम देख सकते हैं हमारे वर्चुअल मैनेजर, देखिए हमारे यहाँ पे एक्सटर्नल इंटरनल क्रिएट हो चुका है, बट यहाँ पे हमारा जो प्राइवेट स्विच है वो शो नहीं कर रहा है। वो इसलिए शो नहीं कर रहा है क्योंकि वो हमारा सिर्फ वर्चुअल टू वर्चुअल मशीन ही कम्युनिकेट करता था, तो इसलिए वो हमारे यहाँ पे शो नहीं करेगा। और बाकी जो दो ऑप्शन हमें जो शो कर रहा है हमारा एक्सटर्नल और इंटरनल, वो इसलिए आ रहा है क्योंकि ये हमारे वर्चुअल मशीन से हमारे फिजिकल मशीन के बीच में भी कम्युनिकेशन करते हैं, तो यहाँ पर हमें शो कर रहा है। और यहाँ पर हम इन पर आई पी एड्रेस भी डाल सकते हैं। और देखिए जो हमारा एक्सटर्नल जब हम स्विच बनाते हैं तो उसके वजह से हमारे यहाँ पे नेटवर्क ब्रिज क्रिएट हो जाता है हमारे जो लैन होता है उसके बीच में। तो इस तरीके से हम यहाँ पे स्विच मैनेजर्स को मैनेज कर सकते हैं यहाँ से। तो देखा दोस्तों, इस तरीके से हमें जाना कि कैसे हम अपने हाइपर वी मैनेजर के ऊपर स्विचेस क्रिएट कर सकते हैं, और हमने जाना इंटरनल और प्राइवेट और एक्सटर्नल स्विच के बीच में क्या डिफरेंसेस हैं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको ये अच्छा लगा हो, और आपको अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।